हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुने, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है वो प्रकाश जी ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी थी। ये वैसे तो बेंगलोर के हैं और इन्होंने हमारी पिछली कहानी में हमसे कहा था कि मैं आगे की कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ शेयर करूंगा जो शादी के बाद मेरी वाइफ और मेरी बच्ची के साथ हुई। तो चलिए इनकी घटना को शुरू करते हैं। मैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी का नाम नहीं बताऊंगा। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हादसा हम लोगों के साथ हुआ जिसकी वजह से एक साल तक हमें तकलीफ़ उठानी पड़ी। हुआ कुछ ऐसा कि 7 साल की शादी के बाद मैं अपने माता पिता से अलग हो गया था। उसके पीछे का कारण ये था कि जो मेरी पत्नी थी उसे जॉब के लिए अब दूसरी जगह जाना पड़ता था, यानी कि उसकी ऑफिस शिफ्ट हो गई थी जो कुछ ज़्यादा ही दूरी पर मेरे घर से थी। लेकिन मेरा काम तो अब भी वहीं पर था। उसके जॉब की वजह से मुझे और उसे उसकी ही ऑफिस के नज़दीक में एक रेंट पर घर लेकर रहना पड़ा। मैं आप लोगों को एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरी बेटी उस समय मेरे साथ नहीं रहती थी क्योंकि उसकी स्कूल मेरे माता पिता के घर के बाजू में ही थी, जिस वजह से वो मेरे माता पिता के साथ रहती थी। मैं अक्सर काम से जब भी छूटकर अपने घर पर लौटता तो मेरी बेटी को लेकर ही आता था और ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कहानी विस्तार में ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे तभी मुझे एक बहुत अच्छा घर दिखा जो कि 2 BHK का था। लोकेलिटी वगैरह भी सब कुछ बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन उसकी एक अजीब बात ये थी कि उसका भाड़ा बहुत कम था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। जो उस बिल्डिंग का यानी कि उस घर का लैंडलॉर्ड था वो उसी बिल्डिंग में रहता था। जो घर था वो ग्राउंड फ्लोर का था और लैंडलॉर्ड का घर फर्स्ट फ्लोर पर था जो कि डुप्लेक्स था। मैंने लैंडलॉर्ड से कहा कि इतना कम भाड़ा क्यों? उसने कहा मुझे इतने में ही जमता है इसीलिए मैं इतने में देता हूँ। ये घर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करेगा, यहाँ जब भी कोई रहने आता है उसे इतना ज़्यादा सक्सेस मिलता है कि वो कुछ ही समय में इस घर को छोड़कर चला जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचने लगा कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, इतना कम रेंट में ये घर मिला है तो बल्कि उन्हें तो और भी ज़्यादा समय के लिए यहाँ रहना चाहिए। भले ही आदमी को कितनी भी कामयाबी क्यों ना मिल जाए लेकिन उसे अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए। मैंने फिर अगले ही पल अपने मन में सोचा कि मेरे साथ चाहे कितनी भी अच्छाई हो जाए लेकिन मैं कम से कम यहाँ पर 2 साल तो निकालूंगा ही। जो लैंडलॉर्ड की बहू थी यानी कि डॉटर इन लॉ, वो मेरी वाइफ की और मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अक्सर ही वो हम लोग से मिल के बातचीत किया करती थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं उस घर में रहने गया तो उसके 1 हफ्ते के बाद से ही मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उसका जॉब भी छूट गया और हम लोग फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगे। 1 महीने के ही अंदर मेरी पत्नी ने उस जॉब से रिज़ाइन दे दिया। पता नहीं उसे कुछ अजीब सा लगता था और इससे पहले वो इतने सालों से जॉब करते आ रही थी उसे कभी वैसा फील नहीं हुआ था जो उस वक्त उसे फील हो रहा था। और हम लोग ऐसा करते थे कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता तो हम लोग पूजा करते और भगवान का खूब नाम लेते जिससे हम पे आया हुआ संकट भी टल जाता। लेकिन उस समय पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हुआ था कि वो पूजा करने में भी कभी आगे नहीं आती थी। मुझसे कहती थी कि जब मेरा मन होगा मैं पूजा कर लिया करूँगी। हम लोग सत्यनारायणा पूजा हर साल में 1 बार करते हैं। वो तब करते थे जब मेरी बेटी का जन्मदिन होता था और अक्सर मैंने देखा था कि हम लोग जब भी ये पूजा करते थे उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा तो हमारे साथ होता ही था। फिर 2016 में मेरे पिताजी की मौत हो गई। उसके बाद मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी हम लोग अपनी मम्मी के घर पर रहने चले गए और कुछ 21 दिन तक हम तीनों ही अपनी माता जी के साथ रहने लगे। उस समय हम लोग घर पर कोई भी पूजा नहीं किए क्योंकि
क्योंकि काम से टाइम ही नहीं मिलता था। घर पर आने के बाद माताजी को समझाना, क्योंकि मेरी माताजी बहुत रोया करती थी और ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है। लेकिन तभी ही जो चीज़ें थी वो और भी ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। हुआ कुछ ऐसा कि मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि मुझे कोई चीज़ दिखाई देती है जिसे मैं महसूस नहीं करती, यानी कि उसे मैं छू नहीं सकती, वो चीज़ मुझे देखते रहती है, पता नहीं वो क्या है। इसके बाद मेरी जो छोटी सी बच्ची है 5 साल की, वो उस समय रोने लगी और एक रूम की तरफ इशारा करके मुझसे कहने लगी कि पापा वहाँ से कोई मुझे देखता है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन मेरी पत्नी इतना ज़्यादा उस रूम से डर गई थी कि वो कहने लगी अब हम लोग इस रूम में नहीं सोएंगे, बल्कि अब हम लोग हॉल में सोया करेंगे। मैं उसकी बात पर मान गया। एक रात की बात है कि वो रात के समय उठी वॉशरूम जाने के लिए, उसने देखा कि वॉशिंग मशीन के पास कोई लंबे बालों वाली औरत बैठी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, यहाँ तक वॉशरूम भी नहीं गई और मेरे बाजू में आकर सो गई। अगली सुबह उसने मुझे सारी चीज़ फिर से बताई। मैंने उससे दोबारा एक ही चीज़ कहा कि ये सब तुम्हारा वहम है, तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। उसी समय मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, जॉब पर लग जाओ, अगर तुम्हें जॉब मिल जाएगा तो ये सारी चीज़ों से तुम्हें फुर्सत मिल जाएगी। मेरी बात सुनकर वो दोबारा जॉब पर लग गई। जॉब पर लगने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि मैं जब भी घर पर लेट आता था तो वो घर के अंदर नहीं होती थी, बल्कि घर के बाहर ही खड़े रहकर मेरा इंतज़ार करती थी मेरे आने का। एक संडे की बात है कि मेरी पत्नी जो मकान मालिक था उसकी बहू से बात कर रही थी और उसने उस औरत को सारी वो चीज़ बताई जो भी वो उस घर में महसूस कर रही थी या देख पा रही थी। तभी ही उस औरत ने एक अजीब सी बात कही। वो कहने लगी कि हमारा घर तो डुप्लेक्स है, मैं जब भी ऊपर जाती हूँ ना सेकेंड फ्लोर पर तो मुझे एक औरत दिखाई देती है जो आईने के सामने बैठकर अपने बालों में कंघी किया करती है। ये सुनकर मेरी पत्नी और भी ज़्यादा डर गई, बल्कि उस मकान मालिक की बहू ने मेरी पत्नी से कहा कि तुम भी थोड़ा सोच समझ कर रहना और अपना ध्यान रखना, मुझे अब डर लगने लगा है। मेरी वाइफ ये सारी बात सुनी और मुझसे कहने लगी। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम ज़बरदस्ती टेंशन ले रही हो। इसके बाद पूरा दिन तो अच्छे से बीत गया। रात के करीब 2 बजे मेरी पत्नी एकदम से चिल्लाकर उठ गई और जिसकी वजह से मैं भी धड़पड़ाकर उठा। मैंने उससे कहा क्या बात है, ऐसा क्यों चिल्लाया, जिस पर वो मुझे एक कमरे की तरफ उंगली दिखाते हुए इशारा कर रही थी और डर के मारे कांप रही थी। ऐसा मेरी शादी के बाद से कभी नहीं हुआ था। मैंने उससे कहा कि क्या है वहाँ पर, तुम लोग क्यों इतना डरते हो, जिस पर उसने कहा कि वहाँ पर मुझे कोई दिख रहा है। मैंने फिर दोबारा चिल्लाते हुए कहा लेकिन मुझे तो वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, ये सब तुम्हारा वहम है, इसे दिमाग से निकाल दो। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब मेरे साथ कुछ और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। अगली रात में जब मेरी रात के समय आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बेटी जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अटैच थी वो मेरे साथ नहीं सो रही थी। वैसे तो अक्सर ही ऐसा होता था कि वो मेरे बाजू में ही आकर सोती थी, ना कि हमारे बीच में। मैं जब दाहिनी तरफ अपने देखा तो पाया कि मेरी बेटी नहीं है। मैं घबरा गया, उठकर मैंने उसकी माँ की तरफ देखा। मुझे लगा हो सकता है कि मेरी पत्नी की तरफ वो सो रही हो, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। मैं घर में उठकर उसे ढूंढने लगा, तभी अचानक मेरी नज़र पड़ी कि टीवी के पास जो सोफ़ा था मेरी बच्ची उस सोफे पर सो रही थी। मैं वहाँ पर गया और सोचने लगा ये यहाँ पर कैसे आ गई। मैंने उसे उठाया और उठाकर अपने बाजू में लाकर सुला दिया। उसके कुछ 20 मिनट के बाद अचानक से मेरी बेटी भी एक ज़ोर से चीख लगाई और उठकर रोने लगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर एकदम से उठा, आसपास देखने लगा। मैंने उससे कहा क्या बात है, क्या हुआ। तो मुझसे कहने लगी कि पापा सामने कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है। उसकी ये बात सुनना था कि मेरे पास जो साई विभूति रखी हुई थी मैंने तुरंत वो निकाला और उसके माथे पर लगा दिया, फिर उसे अपनी गोद में सुलाया। अगले दिन दोपहर के 12:30 बजे मुझे कॉल आया और जब मैंने कॉल उठाया तो सामने से मेरी नानी माँ की आवाज़ मुझे सुनाई दी।
मेरी नानी माँ अब मेरी माँ के ही साथ रहने लगी थी जब से मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। वो मुझसे कहने लगी कि जल्दी से घर पर आ जा, और तेरी बेटी जो है वो बहुत रो रही है। उसने किसी बूढ़े आदमी को देखा है जो कि काला है और मोटा है, और वो बूढ़ा आदमी बार बार तेरी बेटी को एक लकड़ी से मार रहा है। भले ही हमें वो सब नहीं दिख रहा, लेकिन तेरी बेटी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गई है, जिसकी वजह से अब वो सोना भी नहीं चाहती। वरना अक्सर ऐसा होता था कि जब मेरी बेटी 12 बजे स्कूल से आ जाती थी तो उसके बाद वो सोती थी, लेकिन डर के मारे उसे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तुरंत वहाँ से यानी कि अपने ऑफिस से निकला। रास्ते में से मैंने अपनी वाइफ को भी उसकी ऑफिस से कलेक्ट कर लिया और हम लोग सीधा अपने घर पर पहुँचे, यानी कि मेरे माता जी के घर पर। वहाँ जाने के बाद मैंने अपनी बच्ची को लिया और हनुमान मंदिर लेकर चला गया। मुझे पता था कि हनुमान जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मैं उस मंदिर में जब पहुंचा तो देखा कि वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि वही रात में अमावस्या की रात होने वाली थी। लेकिन मैं एक पंडित जी को जानता था जो कि मेरे एक अंकल के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने तुरंत ही हम तीनों को अंदर लेकर गया। उसके बाद एक तावीज़ मेरी वाइफ के हाथ पर बांधी और एक मेरी बेटी के हाथ पर। कहने लगे कि हर 21 दिन में यहाँ पर आना और ये धागा हर बार बदलवा के जाना। उनके कहने के मुताबिक हम लोग हर 21 दिन में वहाँ पर जाते थे और धागा बदलवा के आते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि 21 दिन के बाद जब मुझे जाना था तो मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है ऑफिस का, तुम सिर्फ अपनी बेटी को लेकर जाओ। मैं अपनी बेटी को लेकर चला गया और उसके हाथ का धागा चेंज करवा लिया। लेकिन वही रात में फिर से मेरी बीवी के साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। उसे फिर से पहले जैसा महसूस होने लगा, थकान सी लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई उसे बार बार देख रहा है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तभी मेरी वाइफ ये सारी चीज़ों से परेशान होकर उसने अपनी दोस्त को बताया। दोस्त ने कहा कि एक काम कर, मैं तुझे हनुमान चालीसा की बुक देती हूँ, जब भी तू रात में सोएगी तो वो पढ़कर सोना। उसके बाद से मेरी पत्नी जब भी रात में सोती थी तो हनुमान चालीसा पढ़कर ही सोती थी। कभी वो अगर बहुत ज़्यादा थक जाती तो उसके लिए मैं पढ़ लिया करता था। जिस दिन वो हनुमान चालीसा पढ़ना भूल जाती, वो रात उसके साथ बहुत भयंकर बीतती थी। ऐसा लगता था कि कोई उसके पलंग के पास यानी जिस तरफ पलंग पर वो सोती थी उसी तरफ कोई उकड़ू बैठकर उसे ही देखे जा रहा है। फिर एक रविवार की रात को मेरा काम ख़त्म हुआ और मैं घर पर आया। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, मुझे इतनी ज़्यादा थकान और नींद आने लगी कि मैं सीधा जाकर बेड पर सो गया, वो भी बिना खाना खाए। मैं वैसे तो रात के 1 बजे तक सोता हूँ, लेकिन वो दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे कैसे इतनी नींद आई। मैं चाहकर भी अपनी आँख को खुला नहीं रख पा रहा था। फिर रात में तकरीबन कुछ 1:30 बजे मेरी आँख खुली। ऐसा लगा कि कोई मुझे आवाज़ देकर अपनी तरफ बुला रहा है। मैं खाना भी नहीं खाया था, मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैं उठा और उठकर खाना खाने लगा। उस रात मेरी पत्नी और मेरी बेटी वो लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। खाना खाकर जब मैं आकर फिर से लेटकर सोने के लिए गया तो मुझे दोबारा लगा कि कोई मुझे आवाज़ देकर अपनी तरफ बुला रहा है। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसी नींद क्यों आ रही थी, उससे पहले मुझे कभी भी ज़िंदगी में इतनी खतरनाक नींद नहीं आई थी। चाहकर भी मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी। कुछ समय के बाद मैंने एक आवाज़ सुना, वो आवाज़ शायद मेरे घर के दरवाजे के बाहर से आ रही थी। मैं वहाँ से उठा और उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, और मेरे पिताजी की आवाज़ में उसने मुझसे कहा कि आगे जाकर दरवाज़ा मत खोलना वरना ज़िंदगी भर पछताएगा। ये सुनना था कि मैं तुरंत रुक गया और पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे मैं फिर से पलंग पर आकर लेट गया और चादर को टाइट ओढ़ लिया। इसके कुछ समय के बाद फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई, और जब मैंने बेड से ही आवाज़ लगाई कि बाहर कौन है, तभी बाहर से आवाज़ आई कि मैं सुजाता हूँ, मैं आप लोगों के घर के ऊपर रहती हूँ और मुझे थोड़ा सा बर्फ़ चाहिए था। मैं जानता था कि सुजाता नाम की कोई लड़की थी ही नहीं, बल्कि बिल्डिंग में क्या हमारी पूरी लोकेलिटी में कोई नहीं थी, क्योंकि मैं उस लोकेलिटी में सभी लोगों को जानने लगा था। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था
कि ये कोई छलावा है जो मेरे साथ जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन तब भी डर तो मैं बहुत रहा था। फिर अचानक से शायद मेरे मोबाइल में किसी का मैसेज आया, जिस वजह से मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर लाइट आ गई। जैसी ही लाइट आई, वैसी ही बाहर से जो औरत खटखटा रही थी उसका खटखटाना एकदम से बंद हो गया। वो शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि जो मेरा वॉलपेपर था वो साईं बाबा का था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। वैसे तो मैं भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, और अक्सर ही सुबह में जब भी ऑफिस जाता हूँ तो भले 10 ही मिनट सही, लेकिन भगवान की पूजा करके ही जाता हूँ। मैं फिर जब तीसरी बार सोने के लिए गया तो मैंने फिर से एक आवाज़ सुनी, और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे बेड के सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है, जिसकी शक्ल और जिसका पूरा बदन बराबर से तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ उसके काले नोकीले दांत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर मानो डर के मारे ऐसा लग रहा था कि मैं मर ना जाऊँ, मेरे रोंटे खड़े हो गए थे। और जब ये सब मेरे साथ हुआ तब मैंने भगवान का नाम लेने की कोशिश की, पता नहीं क्यों मेरे होंठ भी अब नहीं चल रहे थे। फिर वो लड़की एकदम से उठी और हवा में उड़कर वो मुझ पर जम मार के आ गई, और उसके बाद मेरी जो रान का हिस्सा था उसको वो पकड़कर काटने लगी। मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। शायद उस वक्त भगवान ने मुझे ये मानो कि शक्ति दे दी थी। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया वो एकदम से गायब हो गई। उसके बाद मैं पूरी रात डर के मारे सोया नहीं। अगले दिन जाकर पंडित जी को सारी बात बताई, जो जो अब मेरी पत्नी के साथ हो रहा था, मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ। पंडित जी तुरंत ही मेरे साथ मेरे घर पर आए और कहने लगे कि तुम लोग बाहर रुक जाओ, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि तेरे घर में 3 बुरी आत्माएँ रहती हैं और ये कहीं बाहर से नहीं आई है, ये इसी घर की है। मैंने कहा कि घर के अंदर ही रहती है, जिस पर उन्होंने कहा कि इसी वजह से जब भी तुम लोग यहाँ पर पूजा करने की कोशिश करते हो तो वो पूजा में तेरी पत्नी का दिल नहीं लगता, और उसी की वजह से वो आत्माएं और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो रही है, जिसकी वजह से तेरी पत्नी पर उनका जोर बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग ये सब बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर वो उसी घर के एक कमरे के अंदर चले गए और कहने लगे कि अब मुझे कोई भी आवाज़ मत देना, तुम लोग सब बाहर ही मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद वो बाहर आए और कहने लगे कि मैं उन 3 आत्माओं को भगा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। अब भलाई तुम्हारी इसी में ही है कि तुम लोग इस घर को छोड़कर चले जाओ। मैंने कहा एकदम तुरंत कैसे चले जाएंगे, जिस पर पंडित जी ने कहा कि मैं एक छोटा सा हवन कर देता हूँ जिससे कुछ दिनों के लिए इस घर में शांति हो जाएगी और तुम लोग अपना घर भी आसानी से शिफ्ट कर पाओगे। हम लोगों को ज़्यादा दिन तो वहाँ रुकने नहीं थे, तभी ही पंडित जी ने हवन किया और अगले 3 दिन के अंदर हम लोगों ने वो घर को छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग दूसरी जगह रहने के लिए चले गए। मैंने उनसे कहा कि पंडित जी इस आत्माओं ने इतना परेशान किया मेरी पत्नी और मेरी बेटी को, लेकिन मुझे बहुत ही कम किया। जिस पर पंडित जी ने कहा क्योंकि तू रोज़ सुबह में उठकर भगवान की पूजा जो करता था इसी वजह से वो बुरी शक्तियाँ भी तुझसे दूर रहती थी, लेकिन पिछली रात में जब उन लोगों ने देखा कि तू घर में अकेला है तो वो तुझ पर हमला करने की कोशिश करने लगी और तुझे जान से मार देना चाहती थी। तो दोस्तों ये थी प्रकाश जी की कहानी मेरी ज़बानी। इसके बाद प्रकाश जी कहते हैं कि मैं उस घर को काफ़ी समय तक देखता रहा, बल्कि यूँ कहिए तो आज भी मुझे वो घर दिखता है, लेकिन उस घर के बारे में सभी लोगों का ये कहना है कि वहाँ जो कोई भी आता है वो 3 महीने से ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं रुक पाता। और अब हुआ कुछ ऐसा है कि मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही हनुमान चालीसा दिन में कम से कम 3 से 4 बार तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसके बाद से हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, हमें अच्छा जॉब भी मिल गया और कभी भी मेरी और मेरी पत्नी की तबीयत वैसी ख़राब नहीं हुई जो उस वक्त पर हुई थी। तो दोस्तों ये प्रकाश जी की कहानी आप लोगों ने सुनी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ भी ज़रूर देखें
और सुने, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और हमारा ईमेल आईडी का लिंक भी है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की तरफ। हमारी जो आज की पहली कहानी है ये उमेश की है, तो चलिए कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम उमेश है। जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये 2009 में मेरे साथ घटी थी। वह कुछ ऐसा था कि 2004 में मेरी माताजी मुझे छोड़कर दुनिया से चले गई थी, जिसके बाद मैं बहुत अकेला सा महसूस करता था। मैं आप लोगों को एक बात और ये बता दूं कि मेरे पिताजी इस दुनिया को मेरे पैदा होने से 3 महीना पहले ही छोड़ चुके थे। अब मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं था। तो मैं अब उस घटना पर आता हूँ जो मेरे साथ घटी। हुआ कुछ ऐसा कि मैं अकेला ही खेत के पास बैठा हुआ था। दरअसल मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हर काम किए। मैंने यहाँ तक बच्चों के लिए फुग्गे तक बना बना कर बेचे हैं। मैं कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता। जो काम मिल जाए उसे करने लग जाता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ भी नहीं, तो मुझे पता था कि मुझे कोई अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। रास्ते पर ही चलते फिरते काम किया करता था। एक बात अच्छी ये थी कि मेरे पिताजी का गांव में एक घर था, उसी में मेरे माताजी और मैं रहते थे। लेकिन मेरी माताजी का देहांत हो जाने के बाद अब वो घर में मैं अकेला हो गया था। एक चीज़ अच्छी यही थी कि मेरे पास सर छुपाने को खुद की छत थी। मैं काम जैसा तैसा कर लेता। कभी ऐसा भी होता कि गांव में मुझे काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से मुझे रात में भूखा सोना पड़ता था। मेरा कोई रिश्तेदार था ही नहीं। मैं एक रात में यानी कि कुछ 8 या 9 बजे के आसपास खेत के पास बैठे बैठे ऐसे ही मन में बड़बड़ाने लगा, और मन में बड़बड़ाते हुए पता नहीं कब मैं उन बातों में खो गया कि मैं अब मुँह से बात करने लगा। भले मेरी माँ तो मेरे सामने नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ जहाँ पर भी है वो मुझे सुन रही है। मैं उसे रो रो कर अपने दिल का हाल बता रहा था कि अचानक से मेरी नज़र पड़ी उस अंधेरे से खेत में। एक औरत मेरे सामने बैठी हुई मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मानो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सारे दुख और दर्द उसी के साथ बांट रहा हूँ। वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में मुंडी हिला रही थी। शायद वो मुझे अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। मैं उसे वहीं से बैठे बैठे चिल्लाया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर उसने कहा, ये खेत तो तुम्हारा नहीं है, तो ये सवाल भी तुम्हें मुझसे पूछने का कोई हक नहीं। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि शायद इससे पहले मैंने ऐसी औरत को अपने गांव में कभी नहीं देखा था। पता नहीं क्यों वो औरत मुझे कुछ अजीब सी पागल लग रही थी। वो पागल थी या पागल बनने का नाटक कर रही थी। और उस समय तो हमारे गांव में इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे। मुश्किल से 1500 की आबादी होगी हमारे पूरे गांव में। मैं मन में ये सोचने लगा कि इस औरत को तो देखा नहीं, ये अचानक से मेरे सामने आकर कब बैठ गई मुझे पता नहीं। क्या ये सच में कोई पागल तो नहीं, किसी पागलखाने से भागकर तो नहीं आ गई है? मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से मैंने देखा वो औरत एकदम से गायब हो गई और पता नहीं कहीं चले गई हो। मैं उठकर इधर उधर नजरें अपनी दौड़ाने लगा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दी। फिर मैं वहीं पर बैठ गया और अब तक जो मैं अपनी माँ से बात कर रहा था वो भुलाकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आने लगा। वो ये था कि वो औरत कौन थी और कहाँ चले गई। लेकिन कुछ ही समय में वो औरत को मैं भुलाकर फिर से अपनी माँ से बातचीत शुरू कर दिया कि मैंने देखा वो औरत अचानक से मानो मेरे बाजू में प्रकट हो गई हो। आसपास उसके आने का ना तो कोई मुझे आवाज़ सुनाई दिया हो और ना ही उसके आने का कोई महसूस मुझे हुआ हो। मैं बाजू में जब अपनी मुंडी घुमाकर देखा तो पाया कि वो एकदम मेरे बाजू में बैठकर मुझे ही देखकर मुस्कुरा रही है। लेकिन जब वो दूर बैठी हुई थी तब वो इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं थी जितनी अब थी। इसके बाद उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मानो ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ कम से कम 100-200 किलो का हो। मैंने
एकदम तिलमिलाते हुए उसका हाथ झटक दिया। शायद मैं उसके हाथ का दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, अपनी माँ से मिलना चाहते हो? मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया कि मानो ना तो कभी उससे पहले इतना डरा था और ना उसके बाद, आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में इतना डरा। मैं हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसे देखकर कहने लगा, नहीं, मुझे नहीं मिलना। मैं बस वहाँ से भाग जाना चाहता था अपनी जान बचाकर, और किया भी वैसी। वो वहाँ से जी जान लगाकर भागा और अपने घर पर आ गया। घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर मेरी सांसों की आवाज़ मैं खुद ज़ोर ज़ोर से सुन रहा था। ज़्यादा तेज़ भागने की वजह से मुझे बहुत ज़ोर की सांस हो रही थी। इसके बाद मैंने देखा कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं जाकर धीरे से दरवाज़ा खोला ये देखने के लिए कि बाहर कौन है, तो पाया धीमी सी रोशनी में कि वही औरत खड़ी हुई है और मुझे देखकर कह रही है, चलो तुमको तुम्हारी माँ के पास छोड़ देती हूँ। उसका ये कहना कि मानो अब मेरे दिल में डर दुगना हो चुका था। मैंने फिर से दरवाज़ा बंद किया और भागते हुए जो मेरे घर में श्री गणेश जी की मूर्ति थी उसके पास जाकर बैठ गया। कहीं ना कहीं मेरे दिल में इस बात का यकीन तो था ही कि कुछ भी हो जाए, अगर वो बुरी आत्मा है या फिर कोई चुड़ैल या शैतान है, तो वो गणेश जी की मूर्ति के सामने बिल्कुल नहीं आ सकता। वो रात तो मैंने जैसा तैसा डर डर के अपने घर में बिता ली, लेकिन अगली रात जब भी मैं काम से आता तो अक्सर ही वो औरत के होने का मुझे महसूस हो जाता, क्योंकि एक अजीब सी बदबू आती थी जब भी वो मेरे पास आती थी। ऐसा लगता कि हो ना हो वो मेरे आसपास ही है, भले ही मैं उसे देख नहीं पाता। और मुझे इस बात का भी अंदेशा हो जाता कि वो औरत या फिर वो चुड़ैल मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहती है। जहां तक मुझे याद है कुछ एक हफ्ता या 10 दिन ऐसा ही चलता रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। हाँ, एक चीज़ अच्छी ये थी कि मैंने जो मेरे घर में छोटी मूर्ति थी हनुमान जी की, उसको अपने साथ ले लिया था और हमेशा ही उसे अपने ऊपर के पॉकेट में रखा करता था। मुझे इस बात का भी अंदेशा हो गया था कि ये बुरी आत्मा मौका देखते ही मुझ पर जानलेवा हमला कर सकती है, इसी वजह से मैं हमेशा उस मूर्ति को अपने साथ रखता। शायद वही वजह थी जिस वजह से कभी भी वो आत्मा मुझ पर हमला नहीं कर सकी। फिर जब मैंने देखा कि वो आत्मा का पीछा मैं छुड़ा ही नहीं पा रहा हूँ, तब मैंने गांव के एक पंडित जी को जाकर सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि वो कोई आत्मा या चुड़ैल नहीं, वो एक छलावा है, बस हर वक्त अलग अलग रूप लेकर अलग अलग लोगों को डराता है। हालांकि मैं भी इस बात को जानता नहीं था। उस दिन पंडित जी के मुंह से पहली बार मुझे ये बात सुनने को मिली कि गांव में ऐसे और भी कई लोग हैं जिनके सामने वही छलावा अलग अलग रूप लेकर आता है। कई बार कितने लोगों को बहुत बुरी तरह से इसने उठाकर पटक भी दिया है। एक आदमी का कहना तो ऐसा था कि वो उसकी मरी हुई माँ के रूप में आ गया था और उसे एक तालाब में जाकर कूदने को कह रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर उसकी पत्नी वहाँ पर पहुँच गई और उस आदमी को उसने बचा लिया। वो आदमी भी समझ चुका था कि ये मेरी माँ नहीं बल्कि ये एक छलावा है। मैं आप लोगों को 1 से 2 ऐसे छोटे किस्से और सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि ये भी मुझे पंडित जी ने बताया, मेरे साथ जब ये घटना घटी उससे कुछ 20 दिन पुरानी होगी, कि हमारे गाँव में जो एक छोटा सा हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल का जो वार्ड बॉय था वो एक दिन अचानक से गायब हो गया। उसके कुछ ही दिन के बाद वो मिला, शायद 4 या 5 दिन के बाद, लेकिन उसके डेड बॉडी मिली। जिन लोगों को उस वार्ड बॉय की डेड बॉडी मिली, उन लोगों ने सोचा कि अगर गांव वालों को इसके बारे में बता दिया जाएगा तो वो लोग डर जाएंगे, इस वजह से इस राज को छुपा दिया गया। लेकिन इसी का नाजायज फ़ायदा उठा लिया था इस छलावा ने। वो उसी वार्ड बॉय के भेस में आकर रात के समय उसी हॉस्पिटल में चले जाता था और कई लोगों को बिना मतलब चोट पहुंचाता था। एक दूसरा हादसा इसके बारे में ये पता चला कि गांव में अक्सर ही आप लोगों ने देखा होगा, खुशी के मौके पर लोगों को बुलाया जाता है नाचने के लिए और कहीं पर तो मुजरे का बंदोबस्त भी किया जाता है। वही पंडित जी ने मुझे बताया कि एक जगह जहाँ पर मुजरा होने वाला था, ये छलावा किसी औरत का रूप लेकर वहाँ पर पहुँच गया।
और एक आदमी जो बहुत ज़्यादा दारू पी रखा था उसे लेकर पता नहीं ये कहीं जंगल में चला गया। अगली सुबह में उस आदमी की लाश मिली। लोग इस छलावा से बहुत ज़्यादा डरते हैं और पंडित जी ने मुझसे कहा कि तुम हमेशा अपने साथ ये मूर्ति रखना, क्योंकि इसी मूर्ति की वजह से वो छलावा मेरे नज़दीक नहीं आ सकता। इसके अलावा पंडित जी ने एक बात ये भी बताई कि बहुत सारे लोगों ने इससे बचने का उपाय ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। मैं कुछ इसके बाद साल डेढ़ साल वहाँ पर रहा और हमेशा मूर्ति को अपने साथ ही रखता। फिर हुआ कुछ ऐसा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना था या फिर कुछ करना था, तो मैंने अपने गांव का घर बेचा और वहाँ से बेचकर शहर में आ गया। मैं शहर में रहने लगा। अब तक के मैं शहर में ही रहता हूँ। आज मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी है, लेकिन गांव छोड़ने के बाद वो छलावा कभी मेरे पीछे नहीं आया। बल्कि मैं आप लोगों को अगर एक सच बात यूँ कहूँ तो कुछ महीना या दो महीने तक मुझे उसके होने का महसूस होता रहा। उसके बाद मुझे कभी भी उसके होने का महसूस ही नहीं हुआ और ना ही कभी वो दिखाई दिया। यही नहीं, बल्कि उतने समय के बाद यानी महीना या दो महीने के बाद गांव में भी जितने छलावा के केसेस आ रहे थे वो सब एकदम से बंद हो गए, या फिर यूँ कहिए कि एकदम से गायब हो गए। आज तक इस बात का नहीं पता चल पाया कि उस छलावे का हुआ क्या था। तो दोस्तों, ये थी उमेश जी की आप भी थी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अभिषेक की है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक है। जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये पिछले साल लॉकडाउन में ही मेरे साथ घटी। उस घटना से पहले मैंने कभी भी भूत प्रेत या कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को कभी महसूस नहीं किया, ना तो देखा। बस अक्सर ही इनके बारे में किस्से कहानियाँ सुनने को मिल जाती थी। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं और मेरे पिताजी सब्जियाँ बेचते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए में ऐसा हो गया था कि हम लोग अगर सब्जी बेचने के लिए बाहर निकलते भी थे तो पुलिस के डर की वजह से, या फिर यूँ कहिए कि पुलिस की मार की वजह से, ज़्यादा सब्जियाँ बेच नहीं पाते थे। चोरी छुपे जो सब्ज़ी बिक जाती थी बस वही। एक शाम की बात है कि कुछ 5:30 बज रहा था और पूरा बाहर का माहौल एकदम शांत था। मेरी जो माताजी है वो घर पे बैठकर रो रही थी। इसलिए रो रही थी कि उन्हें अपनी बीमारियों के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे और उन्हें इलाज करवाना ही था। मैंने पिताजी से कहा कि कब तक ऐसा करेंगे और कब तक हम लोग ऐसे परेशान हाल रहेंगे। पिताजी ने मुझसे कहा कि अभी धीरे धीरे चोरी छुपे हम लोग ज़्यादा सब्जियाँ बेचेंगे, पैसे इकट्ठा होंगे तो तेरी माँ की दवा आ जाएगी। मैंने भी कहा ठीक है। एक शाम में मैं सब्जी का ठेला लेकर ऐसी ही चोरी छुपे हर जगह बेच रहा था कि अचानक से पता चला पुलिस आ गई है। डर के मारे हम लोग खेतों के अंदर घुसकर छुप गए, लेकिन पुलिस जो थी वो खेतों के अंदर घुसकर भी हमें ढूंढ लिया करती थी। तभी मेरा एक जान पहचान वाला दोस्त मिल गया। उसने मुझसे कहा कि तू मेरे घर पर चल। लगभग मेरा घर उसके घर से कुछ 2 या 2.5 किलोमीटर ही होगा। मैं उसके घर पर अपना वो सब्जी का ठेला लेकर चला गया। पुलिस का पैरा कम हो ही नहीं रहा था। देखते ही देखते रात के 9:30 बज गए। मैंने फिर मेरे दोस्त से कहा यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मुझे घर पर जाना ही पड़ेगा। हालांकि मैं घर वालों को कॉल कर करके बार बार अपडेट दे रहा था। तभी ही मेरे दोस्त ने मुझसे कहा एक काम कर, अगर कुछ नहीं हुआ तो तू कल सुबह चले जाना। लेकिन मैं तैयार ही नहीं था इस बात पर। जैसा जैसा रात बढ़ती गई वैसा वैसा मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। मुझे इस बात की चिंता सता रही थी कि घर पे मेरे माता और पिता ये दोनों अकेले ही है, इन्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे कैसे ना कैसे करके तो जाना ही चाहिए। तभी मेरे दोस्त ने कहा एक काम कर, सब्जी का ठेला यहीं छोड़ दे और तू अकेला चले जा। मुझे उसकी ये बात भी ठीक लगी। मैं जब वहाँ से रात में निकला अपने घर जा निकले तो मैंने अपने चारों ओर एकदम ही ज़्यादा सन्नाटा पाया। आसपास कोई नहीं था, हाँ लेकिन जो इक्का दुक्का लाइट्स थी हमारे गांव में आज भी है वो स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे अपनी घर की तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कुछ अजीब सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि 2-3 आदमी मिलकर चिल्ला रहे हो। आवाज़ सुनते ही मेरे दिल में डर ने घर बना लिया। मुझे ऐसा लगा कि क्या पता कहीं पीछे से पुलिस तो नहीं आ गई, अब तो मेरी खैर नहीं। मैं फिर भी
वहां से जैसा तैसा छुपते छुपाते हुए आधा रास्ता पार कर चुका था। तभी मैंने देखा कि एक पेड़ के सामने कोई इंसान खड़ा हुआ है जो बराबर दिख रहा नहीं है। शायद अंधेरे की वजह से उसकी शक्ल भी मुझे बराबर से दिखाई नहीं दे रही। मैं उस इंसान के पास जाने लगा। मुझे लगा कि शायद उसे मदद की ज़रूरत है। जब मैं उसके पास पहुंचा, तो देखा कि वो कुछ अजीब सा ही दिख रहा था। उसके चेहरे की जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। उसके हाथ पैर भी काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। वैसे तो नॉर्मल आदमी की हाइट 5 से 6 फुट होती है, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो एक नॉर्मल इंसान से भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है। पेड़ के पीछे शायद वो मुझे देखकर छुप रहा था या पता नहीं वो क्या कर रहा था। मैं एक 10 कदम की दूरी पर से ही उसे आवाज़ लगाया और कहने लगा, क्या बात है, क्यों छुप रहे हो, कोई मदद चाहिए तो कहो, मैं हूँ यहाँ पर। इस पर उसने सिर्फ मुझे अपनी आँखों से अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैं और 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में मुझे लग तो रहा था कि इंसान में कुछ तो गड़बड़ है, क्या पता कोई पागल ही रहे जो मुझे जान से मार दे। मुझे अपनी जान का खतरा भी महसूस हो रहा था। इस वजह से मैं एकदम ही उसके करीब नहीं गया, बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़कर उसे दोबारा आवाज़ लगा कर पूछा। इस पर वो मुझे फिर से अपनी ओर आने का इशारा किया। मैं और 2 कदम आगे बढ़ा। मैंने उससे कहा कि अब मैं और आगे नहीं आऊँगा, तुम पेड़ के पीछे से पहले तो बाहर निकलो। जिस पर उसने अपना हाथ लंबा किया और एकदम से मेरे गले की तरफ उसका हाथ आने लगा। पता नहीं कैसे मैंने खुद को बचा कर पीछे हो गया। जब मैंने देखा कि उसके हाथ इतने ज़्यादा लंबे हैं कि मैं उससे 6-7 कदम की दूरी पर हूँ, फिर भी उसके हाथ आसानी से मेरे गले तक पहुँच जाते, मैं तुरंत वहाँ से पीछे भागते हुए उसी कच्चे रास्ते पर आया जिस रास्ते से मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। इसके बाद मैंने देखा कि जब मैं भागा कच्चे रास्ते की तरफ, तभी ही वो व्यक्ति या वो बुरी आत्मा उस पेड़ के पीछे से बाहर निकल गई और अब वो मुझसे ज़्यादा तेज़ भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैं जी जान लगाकर वहाँ से भागा और चिल्लाने लगा। उस वक्त मुझे पता था कि शायद अगर मैं चिल्लाऊँगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन मुझे वो भी मंजूर था कि कम से कम मैं इस बुरी आत्मा से तो पीछा छुड़ा लूँ। मैं चिल्लाते चिल्लाते बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि मुझे 2-4 लोग दिखाई दिए। वो लोग डर के मारे या फिर मेरी आवाज़ सुन के अपने घर से बाहर आ गए थे, क्योंकि जो रास्ते से कच्ची सड़क से मैं जा रहा था उसके दोनों ही तरफ घर भी बंधे हुए थे, यानी कि कच्ची मिट्टी के घर थे और उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी जगह खेतों की पड़ी हुई थी। वो लोग जब मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, क्या बात है, क्यों ऐसा चिल्ला रहा है। मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो लोग पीछे देखे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा और अब वो बुरी आत्मा या फिर वो पागल इंसान मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैंने अपनी आँखों से देखा हो, वहाँ पर कोई तो था। उन लोगों ने कहा, ठीक है, अभी तू हमारे घर पर आके रुक जा। लेकिन मुझे तो घर जाना था, अब भी मेरा घर काफ़ी दूरी पर था। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने घर तो जाना ही है। मेरा घर आप लोग यूँ समझ लीजिए कि 900 मीटर या फिर 1 किलोमीटर ही बचा होगा। तभी उनमें से 2 आदमी ने कहा कि अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन हम में से कोई भी तुझे तेरे घर तक छोड़ने नहीं आएगा। हो सकता है आगे वो पागल इंसान या बुरी आत्मा फिर से तुझे पकड़ ले, तभी तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन माता पिता की फिक्र इतनी ज़्यादा मुझे सता रही थी कि मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे जाना ही चाहिए। और उन लोगों के घर चले जाने के बाद मैं दोबारा उस रास्ते पर भागने लगा। तकरीबन कुछ ही कदम आगे भागा रहूँगा कि मैंने देखा वो इंसान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। अब तक तो मैं उसे कोई बुरी आत्मा समझ रहा था, लेकिन अब देखकर समझ में आया कि वो बुरी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गंदी आत्मा भी है। उसके सामने आने से मुझे एक अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी। इसके साथ ही साथ वो आत्मा अब मेरी तरफ भागते हुए आने लगी। मैं फिर से पीछे की तरफ भागने लगा और अब मन में ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मैं भागते हुए उन्हीं घरों में से किसी एक घर में जाकर रुक जाऊंगा। लेकिन उनके घर के पहुंचने से पहले ही पहले उसने मुझे ज़ोर से पीछे से धक्का दिया, जिसकी वजह से मैं वो कच्चे रास्ते की मिट्टी पर घसरते हुए काफ़ी आगे जाकर गिरा। मेरी छाती और मेरा पेट भी बहुत हद तक छिल गया था। मैं धीरे से उठकर खड़ा हुआ तो पाया कि वो ठीक मेरे चेहरे के पास आकर खड़ा है। उसके पैर के पंजे भी
बहुत बड़े बड़े थे और मानो वो अपने पैर के पंजे को उठाकर मेरी छाती पर जोर से एक लात मारा, जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद मेरी छाती की सारी हड्डियां टूट गई हो। उसका दर्द मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। वो घर के लोग कुछ शायद जागे होंगे, जिस वजह से वो लोग दोबारा भागते हुए मेरी तरफ आए, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा आगे तो गया नहीं था। जब वो लोग मेरे पास आए तो आकर मुझसे कहने लगे कि हमने पहले ही मना किया था। हो सकता है कि वो घर के लोग शायद जानते हो कि वो बुरी आत्मा मुझे आगे चलकर दोबारा परेशान करेगी। वैसे ऐसा नहीं था कि मैं उस रास्ते पर नया था या पहली बार उस रास्ते से गुजरा। बचपन से कई बार मैं उस रास्ते से अपने घर या अपने दोस्तों के घर आया गया हो। मैं अब ये बात को लेकर परेशान था कि मेरे माता पिता का क्या होगा। मैं उनके घर में तो चले गया। सुबह होते ही 5:30 बजे मैं अपने घर से दोबारा निकला वहाँ जाने के लिए। जब मैं अपने घर के लिए निकला तभी सूरज की किरणें आसमान पर दिखाई दे रही थी। मुझे अब भी उन लोगों में से एक या दो लोग ये मना कर रहे थे कि अभी मत जा, हो सकता है वो आत्मा तुझे फिर से मिल जाए और तुझे इस बार जान से मार दे, हम लोग मदद के लिए भी ना आ सके। मैंने उनसे कहा और सुबह हो जाएगी तो पुलिस का राउंड अप शुरू हो जाएगा, जिसके बाद मेरा जाना और भी ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा। मैं फिर उनके घर से निकला। भगवान का नाम लेते लेते धीरे धीरे मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को ये बता दूँ कि सुबह के समय हो सकता है कि बुरी आत्माओं की शक्ति बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से उस आत्मा का सामना दोबारा हुआ ही नहीं। मैं अपने घर पर तो पहुंच गया और बहुत ज़्यादा बीमार था। 3-4 दिन तक बीमार रहने की वजह से जो सब्जियां मेरे दोस्त के घर पर मैंने छोड़ आया था वो सब्जियां वहीं पर ख़राब हो गई। जितना वो बेच सका उसने उतना बेचा। कमाने के चक्कर में मुझे और भी ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी तीसरी कहानी। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी चौथी कहानी। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी विलास की है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं कहानी थोड़ा विस्तार में बताऊंगा। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं बचपन से ही गांव में रहा, पला बड़ा और ज़िंदगी बहुत अच्छे से जिया। लेकिन शादी के बाद जब जिम्मेदारियाँ बढ़ी तब मुझे जॉब के लिए गाँव छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मैं गांव नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए गांव से कुछ ही दूरी पर मुझे एक अच्छा घर मिल गया। मैं वहां पर जाकर रहने लगा। जहां तक मुझे याद है, मेरी नई नई शादी हुई थी और उसके कुछ एक साल के बाद यह हादसा हुआ था। तो शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था और खुशी के मारे अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। मुझे जहाँ तक याद है, उस समय मैं रात में अक्सर जॉब से 10 या 11 बजे आया करता था। वो इलाका गांव से थोड़ी सी दूरी पर रहने की वजह से ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, वरना लोग अक्सर ये समझते हैं कि गांव से दूर मैं कहीं शहर में चले गया था, जिस वजह से रात के भी समय वहां पर 9 या 10 बजने के बाद लोगों का दिखना बहुत कम हो जाता। एक या दो आदमी अगर नसीब से देखने को मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। मुझे जॉब से घर लौटने में रात के 10 या 11 बज ही जाते थे। एक रात की बात है कि मैं अपने घर पर लौट रहा था। हाँ, रास्ते में मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि एक शमशान घाट भी पड़ता था, लेकिन अब मुझे कभी इन सब चीज़ों से डर लगा ही नहीं। और मुझे वहाँ पर रहते हुए कुछ साल या 1.5 साल हो चुका था। रोज़ाना मैं रात में उसी रास्ते से आता था और सुबह उसी रास्ते से जाता था, तो डर का तो सवाल ही नहीं बनता। जब मैं एक रात अपने काम से लौट रहा था तब मैंने देखा कि बहुत सारे कुत्ते खड़े हुए हैं और शमशान घाट की तरफ देखकर भौंक रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि ये कुत्ते क्यों अचानक भौंक रहे हैं, बल्कि उनमें से तो कुछ कुत्ते रोना शुरू कर दिए थे। अगर आप में से कई लोगों ने रोने की आवाज़ सुनी है कुत्ते की, तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती है। अकेला इंसान अगर किसी बंद कमरे में हो तो उसे उस कुत्ते के रोने की आवाज़ से डर के मारे हार्ट अटैक भी आ सकता है। इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ रात के समय मुझे जब सुनाई दे रही थी और आसपास मेरे कोई आदमी नहीं था, तो आप सोच ही सकते हो कि डर के मारे मेरा क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं धीमे धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। जब मैं उन कुत्तों के पास पहुँच गया तब मैंने महसूस किया कि वो कुत्ते किसी चीज़ को देख कर भौंक रहे हैं। मैंने भी अपनी नज़र जब
शमशान घाट की तरफ दौड़ाई तो देखा कि शमशान घाट के बाजू में काफी ज्यादा खाली जगह पड़ी हुई थी। वहां पर एक काली परछाई अजीब सी दिख रही थी। हाँ, एक बात है कि वो परछाई काफी ज्यादा लंबी दिख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि परछाई किसकी होगी। पहले तो मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। एक बार को मुझे ऐसा भी लगा, हो सकता है वहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो और लाइट की वजह से उसकी परछाई बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही हो। लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा कि परछाई तो ज़मीन पर दिखती है, ये परछाई तो खड़ी हुई है और जिस रास्ते से मैं गुजरता था वहाँ पर तो दूर दूर लाइट का नामो निशान नहीं था। इसीलिए मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर ही जाता था काम पर। फिर मैंने अगले ही पल ये भी सोचा कि हो सकता है शमशान घाट में से ही किसी की आत्मा ऐसी होगी जिसे मुक्ति नहीं मिली, जो वहाँ पर भटक रही है। तरह तरह के ख्याल मेरे दिल में घूम रहे थे। लेकिन जब मैं वहाँ से आगे बढ़ने गया तब एक कुत्ता जोर से आकर मेरे पैर पर काट लिया। वो शायद काटना नहीं चाहता था, वो मुझे अपनी तरफ खींचना चाहता था। मैं समझ ही नहीं पाया। कुत्ते के काटने से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मैं वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी दूसरी लात से कुत्ते को हकालने लगा। लेकिन वो कुत्ता पीछे जाने के बजाय मेरी टांग को पकड़ा हुआ ही था। बाद में मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि जितना दर्द होना चाहिए एक कुत्ते के काटने का, उतना दर्द शायद मुझे नहीं हुआ था। जिससे मुझे ये बात पता चली कि वो कुत्ता मुझे अपनी तरफ खींचना चाह रहा था। उस समय तो मैंने जैसा तैसा अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही ठीक समझा और मैं भागते भागते घर पर आ गया। घर आने के बाद मैंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि हो सकता है वो कुत्ता तुम्हें कोई चीज़ को दिखाना चाह रहा होगा। मैंने पत्नी से कहा, सारी बात तो ठीक है लेकिन वो काली परछाई क्या थी। रात में मरहम पट्टी करने के बाद मैं अपनी पत्नी से कहने लगा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसने भी कहा कि हाँ जाना तो चाहिए, लेकिन इतनी रात में हम लोग कहाँ जाते। अगली सुबह जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा कर कहा कि कुत्ता जैसा काटता है तुम्हें उस तरह से काटा नहीं है, क्योंकि जब कुत्ता काटता है तो आदमी दर्द और जलन से बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हाँ, तुम्हें उस वक्त दर्द और जलन हुई होगी लेकिन इतना हल्के से एक कुत्ता कभी काट ही नहीं सकता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है। कोई बोलता है कुत्ता हल्के से काटा है, कोई ज़ोर से काटा है। खैर, वो दिन भी हम लोग घर पर आ गए। मैंने जॉब की छुट्टी कर ली थी। रात के समय मैं अपनी पत्नी के बाजू में लेटा हुआ यही उससे कह रहा था कि पता नहीं वो कुत्ता मुझे क्या दिखाना चाह रहा होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता था, मैं जब भी 10 या 11 बजे काम से लौट रहा होता तो मेरे डब्बे में जो खाना बच जाता था मेरे लंच का, मैं वो खाना उन कुत्तों को डाल देता और वो लोग भी आराम से खा लेते थे। और जिस दिन मैं लौट रहा था वहाँ से, जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मेरा डब्बा बिल्कुल खाली था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हो सकता है उन्हें भूख लग रही होगी। मेरी पत्नी ने मुझे देखकर मुस्कुराया और वो कहने लगी कि भूख के मारे कभी भी जानवर इंसान पर हमला नहीं करता, वो शायद तुम्हें कोई चीज़ दिखाना चाह रहा था। लेकिन खैर जाने दो, अब वो सब बात पर ध्यान मत दो और सो जाओ। मैं वो दिन सो गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो पिछले दिन का काम पेंडिंग होने की वजह से मुझे कुछ और भी ज़्यादा लेट हो गया था। रात के कुछ 11:45 बज चुके थे। अब रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा और एकदम ही गहरा अंधेरा था। मैं उस रास्ते में वो छोटे से टॉर्च की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था कि जैसे ही मैं वो कुत्तों के पास पहुंचा और अपने बैग से डब्बा निकालकर खाना उनकी तरफ रखा, लेकिन वो कुत्ते खाना नहीं खा रहे थे बल्कि शमशान घाट की तरफ देखकर जोर जोर से भौंक रहे थे और पिछली की पिछली रात की तरह वो लोग दोबारा रोने लगे। मैं समझ नहीं पाया कि क्या चल रहा है, क्योंकि जब 2 दिन पहले मैं रात में वहाँ से गुजर रहा था तभी वो कुत्ते मुझे दूर से दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन मैं जब तक उनके नज़दीक नहीं गया था तब तक ना तो वो भौंक रहे थे और ना ही वो रो रहे थे। तो इस बार भी क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मैं उनके नज़दीक जाता हूँ वो भौंकते हैं और रोते हैं। इस बार शमशान घाट की तरफ मुझे कोई भी परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सोचने लगा कि अब मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से तो कहीं ये कुत्ते फिर से मेरी टांग नहीं पकड़ ले। मैं इसीलिए कुछ देर 5 से 10 मिनट वहीं उन्हीं के साथ बैठ गया। अब सोचने लगा कि कुत्ते ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कुत्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और मुझे जानते थे, क्योंकि रोज़ाना मैं वहीं से रात में तो गुजरा करता था। अब मैं इस बात को लेकर परेशान था कि मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँ या और समय बैठे रहूँ।
मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, जिस वजह से मैं उठकर आगे जाने लगा तो फिर से वो कुत्ते आकर मेरी टांग के आसपास घूमने लगे। मैं डर के मारे दोबारा रुक गया। सच कहूँ तो कुत्ते से कटवाने का डर किसे नहीं होता। 2 मिनट वहाँ पर खड़ा रहा और देखने लगा शमशान घाट की तरफ कि अचानक वो परछाई मुझे दोबारा दिखी और अब वो परछाई मेरी तरफ धीरे धीरे आगे आ रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद वो परछाई बड़ी हो रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ में आया कि वो परछाई तो मेरी तरफ आ रही थी। मैं समझ गया कि मेरी जान को खतरा है। मैं वहाँ से भागने की कोशिश किया और भागा भी, लेकिन तभी मैंने देखा जो कुत्ते मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, दरअसल वो मेरी रक्षा कर रहे थे उस बुरी आत्मा से। वो सारे कुत्ते वहीं के वहीं खड़े होकर उसी परछाई की तरफ और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे और उस पर देखकर रोने भी लगे। मैं समझा नहीं, लेकिन भागते हुए घर पर आ गया। घर आने के बाद मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, तब उसने भी यही चीज़ कहा कि वो कुत्ते तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। अगली सुबह होते ही मैं पास ही के मंदिर में चला गया। वहाँ जाकर पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने मुझसे कहा कि अब तुम रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पहुँचने की कोशिश किया करो। इसके बाद पंडित जी ने मेरे हाथ पर धागा बांध दिया और कुछ तंत्र मंत्र मुझे सिखा दिए। कहने लगे कि जब भी रात में यहाँ से गुजरना तो भगवान का नाम जपते रहना और ये छोटा सा मंत्र पढ़ते रहना। मैंने कहा ठीक है। अगली रात भी ऐसे ही हुआ कि ना चाहते हुए भी मुझे काम से आने में 10:30 बज गए थे और मैंने देखा कि रास्ता बिल्कुल खाली है और इस बार फिर से वही परछाई मेरी तरफ भागते हुए आ रही है। मैं वो मंत्र पढ़ने लगा और भगवान के नाम का जाप करने लगा, लेकिन वो परछाई मेरे काफ़ी नज़दीक आने के बाद रुक गई। पता नहीं कि वो कुत्तों से डरकर मेरे नज़दीक नहीं आना चाहती थी या फिर जो मैं भगवान का नाम जप रहा था उसकी वजह से उसमें उतनी हिम्मत नहीं थी। हाँ, इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि कुछ 1 हफ्ते तक वो परछाई मुझे ऐसी ही परेशान करते रही। मैंने सोचा कि अब घर ही बदल लेना चाहिए। मैं पंडित जी के पास दोबारा गया, उनसे जाकर सारी बात कही। उन्होंने कहा कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही तो यहाँ से घर छोड़कर जाने की ज़रूरत है। जब वो परछाई देखेगी कि तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि बुराई कितनी भी ताकतवर हो लेकिन भगवान की शक्ति हमेशा उससे ज़्यादा ताकतवर होती है, जब वो ये चीज़ देखेगी कि तुम ज़्यादा उससे ताकतवर हो क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान की शक्तियाँ हैं, तो वो खुद ही तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगी और उसके बाद तुम्हें वो कभी दिखाई भी नहीं देगी। मैं आप लोगों को यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पंडित जी की बात बिल्कुल सच थी। 1 हफ्ता या 15 दिन और ऐसा चला, उसके बाद वो आत्मा कहाँ चले गई, किधर गई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उस घर में कुछ 2.5 साल और रहा, लेकिन वो 2.5 साल तक कभी भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दोबारा आई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2री कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ।